हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया C20 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है बैटरी सेवर सेटिंग को अपना शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैटरी सेवर सेटिंग जो है ना शेड्यूल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, बैटरी पर सिलेक्ट करना है। अब बैटरी के इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा बैटरी सेवर का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेट ए शेड्यूल, सेट ए शेड्यूल पर सिलेक्ट करना है। अब सेट ए शेड्यूल के इस पेज में आपको जो है ना सेटे शेड्यूल के अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर का बेस्ड ऑन परसेंटेज, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका नीचे की साइड ये पॉइंटर शो हो जाएगा परसेंटेज के साथ। इस पॉइंटर को आप ना कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 90, 80, 70 कहीं भी आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे जो है एग्जाम्पल के लिए से 25% पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैक पेज पे चलते हैं, तो देखिए सेटे शेड्यूल के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा विल टर्न ऑन एट 25%। अब आपकी ये बैटरी सेवर सेटिंग शेड्यूल हो चुकी है। अब ये सेटिंग काम कैसे करेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है ना ये 25% बचेगी, यानी कि 25% पे आ जाएगी आपके फ़ोन की बैटरी, तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी सेवर है ना वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और ऑटोमेटिक ऑन होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले इस तरीके से दिखाई देगी, बैकग्राउंड डिस्प्ले आपकी वाइट से ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये होता क्या है बैटरी सेवर ऑन होने से, कि अगर मान लीजिए कि आपने अपने फ़ोन को चार्जर के साथ कनेक्ट नहीं किया और आप अपने मोबाइल फ़ोन को फिर भी कंटिन्यू यूज़ करे जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में होगा क्या, आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी सेवर है वो आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन होने से बचाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होने से बचाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है बैटरी सेवर। और शेड्यूल करने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए बैटरी सेवर तो ऐसे काम करता है लेकिन हम शेड्यूल करने के बारे में बता रहा था, तो शेड्यूल करने से फायदा क्या होता है। शेड्यूल करने से ये होता है कि ये सेटिंग आपकी एवरीडे यानी कि रोजाना इसी तरीके से आपकी ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी, जब भी आपका बैटरी सेवर जब भी आपके मोबाइल फोन की बैटरी बैटरी जो है ना 25% बचेगी, ठीक है। तो ये रोजाना इसी तरीके से ये सेटिंग ऑन हो जाया करेगी जब भी आपके मोबाइल फोन की बैटरी 25% बचेगी। दोस्तों यहां पर जो है ये जो बटन है ना ये जो बटन है इस बटन को आपको दबाना नहीं है, ये जो मैंने आपको बटन दबा के दिखाया था, ठीक है, इस बटन को आपको दबाना नहीं है। ये जब आप सेटिंग शेड्यूल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक काम करती है, बटन आपको बिल्कुल भी नहीं दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इस बटन को दबा के दिखाया था, इस बैटरी सेवर को अभी मैंने ऑन कर दिया था, ठीक है। तो ये सेटिंग जो ना इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं।